नहीं आ रही। शीतकालीन मानसून। पहले तो देखते हैं कि इसकी कंडीशन क्या होती है, सूर्य देवता कहाँ पर होते हैं इस दौरान। तो पहले देख लें अच्छे कि बोला कौन आपने। से समय के बीच की बात है। हमने बताया था ग्रेटिटिक मानसून मिड नवंबर तक चलता है, तो मिड नवंबर से, तो कभी कभी दिसंबर से मार्च तक ये चलता है, ऑटम तक, यानी नॉर्मल के हिसाब से देखें तो मिड नवंबर से मार्च तक चलता है सर्दी, जैसे कि अभी चल रहा है, बताने की जरूरत नहीं है इसके बारे में कुछ, है ना। क्या क्या होता है ये आप बताएंगे। दांत किटकिटाते हैं, शरीर गुड़गुड़ाता है, बाहर निकलने का मन नहीं करता है, रजाई में घुसे रहने का मन करता है, खूब सोने का मन करता है, पढ़ने का मन नहीं करता होगा कि करता हाँ है। बिल्कुल सर, एकदम सुबह सुबह मनाया जाता है कि सर कहते क्लास नहीं है, छुट्टी है, अरे क्या आनंद आ जाए, जानो जन्नत मिल गई, लेकिन ऐसा होता नहीं जल्दी, है ना। क्या करता होता है, बड़ा दुख है ना। हाँ लेकिन सुबह सुबह होता है, बाकी दिन तो ठीक रहता है ना। है। नहीं, उठने का नहीं मन नहीं करता। अच्छा, तुम्हारा तो उठने मन ही नहीं करता है, बहुत सही। तो क्लियर स्काई होती है एकदम, आसमान कैसा होता है इसमें दशा, क्लियर कहाँ होता है सर? अच्छा, क्लियर होता है कंफर्टेबली क्लियर, है ना। मतलब साफ, जबरदस्त। हाँ आसमान। सो कुहासा लगा रहता है, दिखाई नहीं देता है, आप बोल रहे क्लियर होता है। आसमान साफ होता है, नीचे तुम्हारे कोहरा है, तो ठीक वही बादल नीचे चलाया है समझ लो। है। साफ आसमान, ठीक है, शांत मौसमी दशा, ठीक, काम वेदर कंडीशन, शांत मौसम, ठंडक तो होती है, बताने की होती है, ये नहीं क्या है। हवा में नमी की मात्रा क्या होती है, कम, लो ह्यूमिडिटी, है ना, अल्प नमी, और चपेटा किसका हो चल रहा होता है वही, लेकिन उसकी रफ्तार थोड़ी हो जाती कम, उत्तर पूर्वी सनातनी पवन नॉर्मल अपना चल रही है, लेकिन ठंडी चल रही है, तो रफ्तार थोड़ी स्लो है, ठीक है, यानी कि ठंडी एवं मंद उत्तर पूर्वी सनातनी पवन। ये चलती है। अगली बात, महाद्वीप के आंतरिक भाग में, इंटरनल पार्ट ऑफ ए कॉन्टिनेंट या इंडिया ऐसे कह लें, इंटरनल पार्ट ऑफ इंडिया, हैव द हायर टेम्परेचर, द हायर डायनल टेम्परेचर रेंज,
रात बहुत ठंडी होती है लेकिन दिन थोड़ा सा गर्म, धूप निकल आती है बीच बीच में, तो निकल आती है धूप तो क्योंकि सूर्य ऊपर जो है बादल है नहीं तो ठीक रेडिएशन मिल जाता है, लेकिन सब रिटर्न बैक हो जाता है क्योंकि क्लाउड नहीं, तो रात बहुत ठंडी हो जाती है लेकिन। फॉगी कंडीशन बनी रहती है, सुबह सुबह देखने को मिलती है, तो कभी कभी तो दिन भर चलती है, ठीक है। कोहरा, ये उन जगहों पर ज्यादा प्रकोप डालता है जहां पर पानी पाया जाता है, नदी है, नहर है ना, इन सब जगहों पर पाया जाता है कोहरा। इसमें ऐसे कर लूं, फॉग के साथ साथ कोहरे के साथ साथ इसमें हम पाला भी कर लेते हैं, फ्रॉस्ट, ये फसलों को बर्बाद करता है पाला। कोहरा तो तब बुरा नहीं है, कोहरा क्या है, क्लाउड है, कोहरा जो है क्लाउड ही है लेकिन ये ऊपर आसमान में ना होकर के एकदम धरातल से निकट है। नोट कर लीजिए सब लोग, सर ये पाला क्या है? पाला है कि यही कोहरा जम जाए, बर्फ के बहुत महीन कण तब्दील हो जाए तो उसे पाला कहते हैं। सुपर कूल्ड हो जाती है जब सरफेस है ना, तो वाटर वेपर जो धरातल से सटा हुआ है, ये है धरातल। सुबेरे क्या बताया कि थोड़ा तापमान था, भाप बन करके ऊपर उठी थी, नदियारे का एरिया है तो ऑलरेडी मॉइस्चर यहाँ है, कम है लेकिन है। तो अब क्या है कि धूल के कण भी इसमें है, एक मैंने क्लाउड जैसे बनता है हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई चिपक करके। अब ये ठंडा हो गया रात में, ठंडा हो गया तो ये कंडेंस हो गया, कंडेंस हो करके क्लाउड बन गया है एक तरह से, यानी कोहरा क्या होता है, क्लाउड ही है लेकिन नीचे, ठीक है। तो अब ये संघनित होकर के कोहरे में तब्दील हो जाता है, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। लेकिन और ज्यादा ठंडक पड़ गई तो ये क्या काहे बदल जाएगा, ये बदल जाएगा सीधे बर्फ में, हिम, बहुत महीन कण, बहुत टाइनी आइस क्रिस्टल्स, इन्हें क्या कहते हैं, पाला, ओके सर, ठीक है। और ये फसलों के लिए बहुत नुकसानदायक है क्योंकि ये पाला मिट्टी में पहुंच जाने के बाद में उनको पानी सप्लाई रोक देता है, और फिर जो पौधे होते हैं वो पत्तियों में अपने तने में जो पानी होता है वो खींच खींच करके भोजन बनाते हैं। एक्सेस एवपो ट्रांसपरेशनल लॉस ऑफ वाटर काजेस डेथ ऑफ प्लांट्स, इट इज द फ्रॉस्ट इफेक्ट, ये पाले का कुप्रभाव है, समझ में आई बात। जी सर। बाकी तो इतना तो सब सभी लोग जानते रहे होंगे पहले से, इसमें कोई बड़ी बात क्या होता है ठंडी में।
अगला है इसमें कि थोड़ा सा टेक्निकल बात पर आते हैं, टेम्परेचर कैसी कंडीशन होती है, तापमान की दशा। कहाँ पर ज्यादा होगा, कहाँ पर कम होगा? तो जाहिर सी बात है कि तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर तापमान ज्यादा होगा, वहाँ पर लगभग हमेशा 27 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन रहता है, किसी भी हाल में 25 डिग्री सेल्सियस के नीचे नहीं जाएगा। ठीक, अलग अलग पार्ट में अलग अलग टेम्परेचर होता है, इसको हम बांट भी सकते हैं, एक मैप चार्ट के माध्यम से इसको हम बांट सकते हैं। अजीब बन गया, बहुत बुरा लग रहा है, इस तरह से इंडिया हमारा नहीं, थोड़ा सुंदर होना चाहिए। सेंटर से बनाना शुरू किया जाए तो सही बनता है, नीचे का आइडिया लग जाता है कितना बड़ा बनना चाहिए कि पेज कवर कर ले। अब यहां पर हम एक औसत तापमान मान लें, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस। औसत तापमान का मतलब हुआ कि आइसोथर्मल राइन, 20 डिग्री सेल्सियस विभाजक तापमान, विभाजक रेखा, वो लगभग कर्क रेखा के समानांतर जाती है। सर आइसोथर्मल लाइन, पासिस पैरेलल टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, अब ये क्या बला आ गई, समताप रेखा मतलब कि समान तापमान वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा समताप रेखा कहलाती है। तो यानी कि ये कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो समानांतर का मतलब कि इतना नहीं कि इतने एकदम पैरेलल ही हो। काफी हद तक पैरेलल, यह 20 डिग्री
सेल्सियस की आइसोथर्मल। समताप रेखा, समान तापमान वाली रेखा, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस यहां जा रहा है, यानी कि इन जगहों पर जो तापमान होगा वो 20 डिग्री सेल्सियस होगा। ये विभाजक रेखा हो गई, दोनों तरफ के तापमान को विभाजित करने वाली रेखा हो गई। और यहां पर जो तापमान पाया जाता है ये है आपका तमिलनाडु, ये वाला रीजन, ये कोस्ट वाला पार्ट है, बिस्तन घाट का ईस्टर्न पार्ट। यहां पर तापमान सर्वाधिक रहता है, अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस, चाहे वो ठंडी हो चाहे गर्मी हो। यहां कभी गर्मी सॉरी सर्दी नहीं पड़ती। सर्दी नहीं पड़ना क्या मतलब, 27 डिग्री सेल्सियस में भी कुछ लोगों को ठंडी लगने लगती है ना। कुछ ऐसे भी जीव हैं दुनिया में जो 27 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस पर भी जो है टोपी और या मफलर स्वेटर पहन के निकलते हैं। यहाँ पर हम दिल्ली के सीएम की बात नहीं कर रहे। तमिलनाडु के लोग करते हैं सर, सर गर्म पानी से नहाना शुरू कर देते हैं कहाँ पे? तमिलनाडु अच्छा। में दिसंबर जनवरी में गर्म पानी से नहाते हैं, टोपी टोपी लगा के घूमते हैं। गर्म पानी नहाने की बात तो ना करना, क्योंकि यहाँ पर लगभग लगभग हमारी कोचिंग में ही 90% सभी परसेंट नहाते लोग हैं। जो है गर्मी में भी पानी गर्म करके लहाते, नहीं तो नहाएंगे ही नहीं, है ना। तो हम सबके बारे में जानते हैं, कौन ऐसा करता होगा। बता सकते हैं अभी तमिलनाडु के लोग कैसे रह रहे हैं? तमिलनाडु ठंडे पानी से नहाने की क्षमता केवल एकाध दो तीन लोगों को छोड़ करके यहाँ किसी की नहीं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो ठंडी में भी बिना पानी गर्म के नहा सकने की क्षमता रखते हैं, ऐसे भी लोग हैं। हर तरह के क्रिएचर यहाँ है। नेवर लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, हमेशा इससे ज्यादा ही होगा, ठीक। और ये जो बीच की जगह बची, इसमें तापमान कितना होगा लगभग? यहां पर तापमान होता है लगभग, वेरी करता है, 25 डिग्री सेल्सियस औसतन मान लो इधर। यहाँ पर तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है, ऊपर चले चले तो 15 डिग्री सेल्सियस का तापमान मिलेगा अभी। लेकिन ये जो हमने बताया था 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर की रोड जब जाते हैं तो थोड़ा रिड्यूस होता है, लेकिन ज्यादा नहीं। हाँ, ये गंगा का मैदानी क्षेत्र है और ये मरुस्थली क्षेत्र है। यहाँ पर लगभग तापमान थोड़ा सा 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, इधर रहता है थोड़ा सा कम, और इधर लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तक
तापमान होता है, यानी कि ऐसे हम रेंज इसकी बना सकते हैं, और ऊपर तापमान और कम हो जाता है, 10 डिग्री सेल्सियस तक। ये चक्रवातीय आपदाओं से प्रभावित होने वाला क्षेत्र, और यहाँ पर तापमान बहुत ही कम रहता है। यहाँ पर तो तापमान माइनस में भी पहुंच जाता है, ऑलवेज बिलो 10 डिग्री सेल्सियस। हमेशा 10 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान यहाँ पर पाया जाता है। रात में तो इस गंगा के मैदानी क्षेत्र का तापमान बहुत डाउन हो जाता है, ये लगभग 5-6 डिग्री सेल्सियस तक भी गिर सकता है, बिलो 10 डिग्री सेल्सियस भी गिर जाता है। बहुत वेरिएबल है यहाँ, गंगेटिक टाइप ऑफ क्लाइमेट अलग बना दिया गया है इसीलिए, कि दिन में तापमान थोड़ा 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, और रात में तापमान गिर करके 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ जाता है, और वहीं पर दिन में कभी 27 डिग्री सेल्सियस 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो औसतन 15 से 20 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रहता है, दिन और रात का दोनों लेकर के चले तो। सबसे ज्यादा ठंडक कहाँ पर पाई जाती है, तो ये है द्रास घाटी, कश्मीर में है ना, और यहाँ पर तापमान -45 डिग्री सेल्सियस। लद्दाख में है अब की कश्मीर में है द्रास? लद्दाख में, लद्दाख में सर, लद्दाख में है द्रास घाटी, बहुत ठंडी जगह है, कारगिल है वहां, ये भी लद्दाख में है। नहीं, कारगिल में ही है ना, ये कारगिल, कारगिल में ही है जहां पर युद्ध हुआ था खतरनाक वाला। हाँ, यहाँ द्रास में ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ सर्वाधिक ठंडी जगह, मतलब ऐसी जगह जहां पर इंसान रहते हो, उस तरह तो सियाचिन हो जाएगा, -90 डिग्री तक पहुंच जाता है तापमान वहां। लेकिन ऐसी जगह जहां पर कि वो हो, टेम्परेचर हो, है ना, मतलब कि वहां जहां पर लोग रहते हो, सेटलमेंट हो, उस जगह की बात करेंगे, तब जो है द्रास वैली सबसे ठंडी जगह बन जाएगी। सर सियाचिन में सेटलमेंट नहीं है? नहीं, वो सेटलमेंट नहीं माना जाता है, मतलब फौजी लोगों को कहीं पर कोई कुछ नहीं मिलने वाला है? नहीं नहीं, उनको सेटलमेंट नहीं माना जाता है, फौजी लोग रहे कहीं तो उनको माना नहीं जाता कि इंसान रह रहे इंसानों की कैटेगरी में नहीं है वो, इंसान की कैटेगरी नहीं आ जाता, वो प्रोटेक्टर्स हैं, है ना, उन वहां पर उनको लगाया गया है, जैसे मतलब इंसान अपनी राजी खुशी से बसता है जहां बसता है, ये बताओ कौन सैनिक है जो अपनी राजी खुशी से वहां जाता है, रहता है, रहता है कोई? अभी कह दिया जाए नहीं सर, गजेंद्र आजकल तो सर फिर भी बहुत जाते हैं, जाते हैं सर, उधर का अलाउंस बढ़ गया है ना भी बहुत ज्यादा। अरे नहीं, तब भी कोई नहीं जाना चाहता है वहां, रिस्की जगह भी तो है, उधर चाइना वाले से भी खतरा है, उधर पाकिस्तान वालों से भी खतरा है, ठंडी से खतरा अलग है, ऊपर से कुछ ऑफिसर हैं पुराने वाले, भूत बन के वहां टहलते रहते हैं, ये सब भी तो होता है। कि आज के 100 साल पहले दब गए थे ये, यहाँ पर टहलते रहते हैं, आदमी डर के मर जाए। सर्वाधिक ठंडी जगह द्रास घाटी। तो
तुम लोग तो यहाँ भटकते रहते हो, क्या हम मान ले यहाँ सेटलमेंट है? कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। -45 डिग्री सेल्सियस के करीब टेम्परेचर यहाँ का पाया जाता है। अगर वायुदाब की दशा की बात करें, ठीक है, तो ये पूरा पार्ट है जो हाई प्रेशर वाला एरिया है, लो टेम्परेचर समंदर में है, इधर यहाँ म्यूट कर लीजिए। हाँ, लो प्रेशर कहाँ होगा? पानी में निम्न वायुदाब होगा, पानी में निम्न वायुदाब होगा और स्थलखंड पर उच्च वायुदाब होगा। सर्वाधिक उच्च वायुदाब का जो क्षेत्र होगा वो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, उत्तर पश्चिमी भारत का भाग जो है सर्वाधिक हाई प्रेशर वाला होगा। उसका कारण मरुस्थल का ठंडक है। ये पार्ट जो सर्वाधिक उच्च वायुदाब वाला होता है इधर, और ये उच्च वायुदाब इसको सपोर्ट भी करता है, फायदा भी देता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, हाई प्रेशर है तो मतलब टेम्परेचर लो है, सीधी सी बात है। और ये पवन की दिशा को नियंत्रित करने में सहयोग करती है। अब बात आती है कि जो विंटर है उसमें वर्षा कहाँ कहाँ पर किस तरह से हो रही है। ठीक, एक तो ये जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, जो इसको कि बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से रेनफॉल नहीं मिल पाई थी ना, क्यों नहीं मिल पाई थी? क्योंकि वहां पहुंचते पहुंचते ड्राई हो गया था, सूखा हो गया था। इधर वाली ब्रांच पैरेलल गुजर गई थी अरावली के, ठीक, तो वहां पर रेनफॉल किसी न किसी तरीके से तो होनी चाहिए, तो कैसे होगी? तो अब यहाँ पर एक ठंडी में एक बहुत प्रमुख घटना घटित होती है, वो है पछुआ पवन विक्षोभ, इसको याद रखेंगे, वेस्टर्न डिस्टरबेंस। ये पेपर में बहुत पूछा जाता है, इतना ध्यान रखिए, प्री में मेंस में कभी पूछा जा सकता है, कोई टेक्निकल बात नहीं है, बहुत ज्यादा टेक्निकल। हमने बताया था कि ठंडी में जो प्रेशर बेल्ट है वो किधर को शिफ्ट हो जाती है, चौनीसी किधर शिफ्ट होती है, वायुदाब पेटियां किधर को खिसक जाती हैं? स्थलखंड की ओर, साउथ तरफ। अच्छा, वो तो काहे फिर पूछूं काहे? अरे यार ये सब मत पूछा करो। नहीं नहीं, नहीं पूछेंगे काहे नहीं पूछेंगे, हमको ये बताओ कि क्यों क्यों किधर ऊपर? हमने एक बार बोला तो कह रही ऊपर, फिर कहे तो दूसरी बार पूछा कहे नीचे। ठीक है, अब की बार कहते खिसकती नहीं है, अब जगह जमी है, सूर्य देवता घोड़ा है, सूर्य देवता वो घोड़ा है जिससे बंधा हुआ है वायुदाब पेटी का रथ, तो सीधी बात है इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लें, है ना, साहित्य में यही सब पढ़ते हैं ना, तुमको इसी तरह बताना पड़ेगा। तो जिधर जाएंगे सूर्य देवता उधर ही शिफ्ट होंगी वायुदाब पेटियां। ये सब खिसक जाती हैं। एक्चुअल जो लोकेशन होती है इनकी उससे नीचे खिसक जाती हैं।
एक्चुअल इक्वेटर ये है और ये 30 डिग्री है, 35 डिग्री वहां से खिसक के नीचे आ गई है 5 से 10 डिग्री, ब्लैक वाली लाइन है, यानी यहाँ से शिफ्ट होकर के इधर को आ गई, ये यहाँ से शिफ्ट होकर के इधर को आ गई है, यानी कि शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट देखने को मिलता है, वायुदाब पेटियों का खिसकना देखने को मिलता है। खिसक जाओ हमारा क्या जाता है, लेकिन यहाँ पर जाता है क्या होता है भाई, कुछ तो गड़बड़ है दया, चोर पकड़ो कहाँ है, नॉट इज इंटर साइड ऑफ गली सर। हाँ, यहाँ तो यहां पर ये देखने को मिलता है कि शिफ्ट हो जाती हैं वायुदाब पेटियां, ऊपर थी जो कभी वो खिसक करके ठंडी में इसी चीज को यहां पर लगा देंगे तो शिफ्ट हो गई, खिसक गई बेचारी, इधर आ गई खिसक कर गई। ऐसे थोड़ा खिसकती है तिरछा, खिसक करके नीचे आ गई, इतना नीचे नहीं आती, रुक जाओ कुछ ज्यादा ही नीचे कर दिया है, इस तरह खिसक सकती टेढ़ी मेढ़ी होती है हमेशा, वो फैक्टर डिपेंड करता है। आ गई खिसक के नीचे, जब नीचे खिसक के आ गई तो ये पछुआ पवनों के प्रकोप के दायरे में आ गई, क्योंकि ऊपर कौन चलती है, ऊपर चलती हैं वेस्टर्लीज, है ना, पछुआ पवन चलती है तो यहां पर चलेगी वेस्टर्लीज, ये पछुआ पवनों की चपेटे में आ गया, तभी तो ये वाला एरिया भूमध्य सागर का क्षेत्र वाला ठंडी में बरसा पाता है, क्योंकि ठंडी में गर्मी में तो पवने होती हैं ऑफशोर ट्रेड विंड ऐसे ऐसे, तो बारिश नहीं हो पाती, लेकिन सर्दी में समंदर से हवा स्थलखंड की ओर पहुंचती है, तो राहुल गांधी की मौसी और मामा के यहाँ बारिश होती है, है ना, फ्रांस जर्मनी जो है ये सब जो है, ब्रिटेन नहीं, फ्रांस जर्मनी इटली माल्टा ग्रीस इधर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका ये सब रिसीव करते हैं रेनफॉल सर्दियों में, ठंडी में बरसा होती है, भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु जिन्हें कहते हैं, और गर्मी में सूखा रहता है, उसका कारण क्या है, पछुआ पवन विक्षोभ है,
विंटर रेनफॉल, खट्टे फलों की दुनिया कहा जाता है। बिहार पीसीएस का क्वेश्चन था, सबसे ज्यादा खट्टे फल यहाँ से उत्पादित होते हैं, लेकिन भारत में विंटर में रेनफॉल नहीं होती है। इन दोनों की तुलना करने के लिए भी पेपर में आता है, मानसून से तुलना करो, मानसूनी जलवायु के क्षेत्रों से तुलना करो, तो भारत से कंपेरेटिव एनालिसिस करने के लिए आ जाता है क्वेश्चन। तो यहां पर भी पछुआ पवनों के दायरे में आया है। अब क्या होता है कि यहां पर साइक्लोन्स का फॉर्मेशन होता है, यहां भी साइक्लोन्स का फॉर्मेशन होता है, यहां भी साइक्लोन्स का फॉर्मेशन होता है। क्यों? क्योंकि ये जगहें जो हैं स्थल अवरुद्ध हैं। पानी में तापमान ठंडी में क्या होता है, स्पेसिफिक हीट के कारण ज्यादा होगा, है ना, यही तो होगा। पानी में तापमान क्या होगा, तुलना में स्थल खंड की तुलना में पानी का तापमान क्या होगा, ज्यादा होगा। हाँ, और ये स्थल खंड का तापमान तुलनात्मक रूप से कम ही होता है, लेकिन यहां पर मरुस्थलीय क्षेत्र से घिरा हुआ है, ये भी मरुस्थल, इधर भी मरुस्थल है, सहारा यहां मरुस्थल है, क्या नाम है इस मरुस्थल का, अरेबियन, ग्रेट अरेबियन डेजर्ट, नाफूद एंड हमादा, ठीक, जिसे कहते हैं ग्रेट अरेबियन डेजर्ट, रब अल खली, अटूट रेत का सबसे बड़ा कंटिन्यूअस, इधर इराक का मरुस्थल, ईरान का मरुस्थल, दस्तेलूर, दस्त कबीर, बलूचिस्तान का मरुस्थल, जिसे थार का मरुस्थल भी आप कहते हैं, ये पूरा मरुस्थल, मरुस्थल यहाँ तक है, उसके ऊपर स्टेपी घास भूमि शुरू हो जाती है, ये पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र। तो जब ये मरुस्थलीय क्षेत्र है तो यानी यहाँ पर क्या होगा, कैसा प्रेशर होगा, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, है ना, और पानी में लो प्रेशर। तो यहाँ पर क्या हो गया, लो प्रेशर सराउंडेड बाई हाई प्रेशर, यहाँ भी लो प्रेशर। तो जब लो प्रेशर बीच में हो और हाई प्रेशर चारों तरफ हो तो क्या होगा, चक्रवात पैदा होंगे, कोरियालिस फोर्स इन हवा झपट्टा मारेंगे लो प्रेशर की तरफ, कोरियालिस फोर्स इनको घुमा देगा, है ना, इनकी दिशा से क्लॉकवाइज, लेकिन साइक्लोन घूमता हुआ दिखाई देगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। अब इसको साइक्लोन को दिशा कौन देता है, साइक्लोन को दिशा देता है पछुआ पवने, और इन चक्रवातों को उड़ा करके लेके आती हैं, चक्रवात उड़ करके आते हैं और यहाँ है हिमालय और तिब्बत के पठार से टकराते हैं, तिब्बत के पठार में ऑलरेडी हाई प्रेशर प्रिवेल कर रहा है, आगे नहीं जाने देगा ये, और काफी ऊंचा भी है, हिमालय से अगर टकरा के बच गया तो फिर ये तिब्बत के पठार इसको रोक ही लेता है, लंबा चौड़ा है, दूर तक घाटी पाटी नहीं है, है ना, तो वो उसे टकरा करके वापस मोड़ देता है, यानी चाइना नहीं पहुंच पाता है, यहीं घुमा दिया जाता है, फिर ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बर्फबारी करता है, फिर और नीचे आता है, और ये वाला पार्ट पूरा जो ड्राई था, जो कि गर्मी में वर्षा तो वैसे भी नहीं पाता था, वर्षा ऋतु में भी वर्षा नहीं पाता था, वहां पर चक्रवाती वर्षा कराएगा, यहां पर साइक्लोनिक रेनफॉल होगी,
नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ रिसीव इंडिया ठीक है, विच फेल टू गेट रेनफॉल ड्यूरिंग द समर मानसून सीजन रिसीव रेनफॉल इन विंटर बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। भारत का वह उत्तर पश्चिमी भाग जो कि दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा प्राप्त करने में असफल रहा, शीतकाल में वर्षा प्राप्त करता है किससे? पछुआ पवन विक्षोभ से उत्पन्न, ठीक है, पछुआ पवन विक्षोभ के कारण उत्पन्न भूमध्य सागर तथा फारस की खाड़ी के चक्रवातों से। साइक्लोन्स ऑफ द मेडिटेरेनियन सी एंड पर्शियन गल्फ, ठीक है, बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस साइक्लोन फॉलो द पाथ टुवर्ड द नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन, ठीक है, एंड ऑरोग्राफिक बैरियर ऑफ द हिमालय एंड तिब्बतन प्लेटू डाइवर्ट दीज साइक्लोन इन सदरली डायरेक्शन, साउथ की तरफ इन्हें पर्वतीय एवं पठारी अवरोध घुमा देता है। अब यहाँ से दक्षिण की ओर घूम जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में बर्फबारी करेंगे, फिर नीचे आएंगे पंजाब हरियाणा दिल्ली पश्चिमी उत्तर प्रदेश उत्तरी राजस्थान, ये वे रीजन हैं जो इन चक्रवाती आपदाओं से प्रभावित होते हैं, काफी क्षति होती है, फसलें खराब हो जाती, मटर और सरसों और भी जो भी रबी क्रॉप्स हैं उनको बहुत डिस्टर्ब करता है ये साइक्लोन, अच्छे नहीं होते हैं, हेल बड़े बड़े ओले लेकर के गिरते हैं और बढ़िया बारिश हो जाती है। इस बार नहीं हुई ना, ज्यादा याद ना करो, अभी मौसम चल रहा है ना। हाँ अप्रैल तक चलती है रेनफॉल, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी टेम्परेचर अचानक से बहुत 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, ठीक है, पूरा कोल्ड वेव, जैसे हीट वेव डेवलप होती थी पहले, अब कोल्ड वेव डेवलप होती है, शीत लहर पैदा होती है ना, इतना ठंडक होती है गुड़गुड़ाते रहो, शीत लहरी है ना, 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिर जाता है, उससे भी नीचे गिर जाता है, फाग कोहरा छा जाता है, आसमान काला हो जाता है, बिजली कड़कती है ना, कुछ लोग तो डर गए होंगे, क्यों अच्छी तरह नहीं डरी? नहीं सर। गुड, ये तो बढ़िया सुंदर मौसम का दृश्य है ना। तो इसको पूरब की दिशा कैसे मिल गई, ये क्लियर हो गया कहाँ कहाँ और कब तक? अब फ्रीक्वेंसी जो होती है इनकी सर्वाधिक जनवरी महीने में होनी चाहिए थी, लेकिन है नहीं वैसे, है ना। सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है? जनवरी होता है, सबसे ठंडा माह जनवरी को माना जाता है, जो कि अभी चल रहा है, और सर्वाधिक जो साइक्लोन और साइक्लोनिक रेनफॉल जो होती है ना, वो जनवरी माह में होनी चाहिए, नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है, अभी हम लोग सही है ना, तो फरवरी में भी होता है लेकिन कम, फिर मार्च में और कम, और अप्रैल में और कम, फ्रीक्वेंसी जो है साइक्लोन की एंड नंबर्स जनवरी से अप्रैल की तरफ कम होते जाते हैं, और उधर नवंबर से बढ़ेगा दिसंबर, दिसंबर से बढ़ेगा जनवरी, है ना, ऐसे। सर जो साइक्लोन में आपने पूछा था कि अक्टूबर में ज्यादा होता है नवंबर में कम, वो जो है, हाँ वो क्या तो कहते हैं, शिफ्टिंग रेटिंग, हाँ रेटिंग मॉनसून, मॉनसून और वो
एटीसीजेड और वो वार्मिंग ऑफ सी नियर कई एटीसीजेड तो कई सारे बोला क्या फैक्टर थे। आंसर हाँ, रहेगा। कई सारे फैक्टर थे जिन पर डिस्कस किया गया होगा इस पर। तो ये हो गया। अच्छा, इधर तमिलनाडु में वर्षा जारी रहती है ठंडी में, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेडविंड का प्रभाव यहाँ पर आनशोर रहता है। तो ये रीजन है तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र जो यहाँ वर्षा प्राप्त करता है। ये जगह है जो आनशोर अभी भी। तो ये दो पार्ट हैं जिनमें बारिश हो रही है ठंडी में, ये ऊपर और एक नीचे। ये दो जगहें हैं जहां पर रेनफॉल की उपलब्धता है, आम्र वर्षा कहलाती तमिलनाडु में, है ना। नवंबर अक्टूबर से शुरू हो जाती है यहाँ रेनफॉल, अक्टूबर से ठंडी के पूर्व हिमंत ऋतु से बारिश प्रारंभ हो जाती है। बिकॉज ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट, नहीं, फॉर्मेशन री स्ट्रेंथनिंग ऑफ ITCJ, ये कह सकते हैं। मानसून ट्रफ गायब हो जाना और ITCJ का शक्तिशाली हो जाना, यहाँ तक चल के आएंगे सब। ये नॉर्थ ईस्टर्ली टेलविंड है, ये स्लो हो जाती है बेचारी, भारी हो जाती है हवा और अपेक्षाकृत ठंडी हो जाती है। तो यहाँ पर जाकर के आपका समाप्त हो जाता है। इसमें बस इतना ही है और कुछ नहीं। विंटर वाला खत्म, सब खत्म, क्लाइमेटोलॉजी खत्म, इंडियन क्लाइमेट। अब इस पर जुड़े हुए जो क्वेश्चंस प्री में है उनको लगाइए, सारे क्वेश्चन यहाँ से कर लोगे अगर क्लासेस समझ में आई होंगी तो, है ना। और मेन से क्वेश्चन लिखने की कोशिश करिए, हम क्वेश्चन भेजेंगे लेकिन अभी नहीं भेजेंगे, टेस्ट है, केवल पढ़िए, ठीक है। केवल अभी सबसे ज़्यादा फोकस प्री पे है, बीच बीच में क्वेश्चन लेकिन लिखते रहना चाहिए, लेकिन रोज ये नहीं कि अभी रोज लिख के बैठ जाए, हफ्ते में एक आध दो क्वेश्चन तो लिख डालना चाहिए बस, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। क्वेश्चन लिखने से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, लेकिन गूगल करके क्वेश्चन ना लिखें, ना गूगल करके टेस्ट दें, हमेशा अपने प्रति ईमानदार बने रहें, है कि नहीं, और वही फायदा देगा। तो ऐसा हमें उम्मीद है कि आप लोग करेंगे। क्वेश्चन कहाँ से लगाएं, ये प्रश्न अगर उठता है तो क्वेश्चन लगा सकते हैं आप लोगों को। हमने खरीदवाया है अरिहंत, कहा था ना खरीद लेना, सब लोगों ने लगभग खरीद ही लिया था। उसमें क्वेश्चन ढूंढिए, है ना, उसको करिए, या फिर इंटरनेट पर अगर आप चाहें तो ना खरीदे तो इंटरनेट पर भी आपको क्वेश्चंस सरकारी वेबसाइट्स पर फ्री मिल जाएंगे, लेकिन उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, जबकि सबसे ज़्यादा मैटर करता है एक्सप्लेनेशन। कभी कभी आपसे हम गलत भी मिल जाते हैं तो एक्सप्लेनेशन से हम सही जान जाते हैं क्या है उत्तर सही, ठीक है। तो अभी समय ज़्यादा बचा नहीं है, तीन तीन पेपर हैं जिनका, जिनके पास मतलब कि जिन्होंने बाटनी या जूलॉजी एग्रीकल्चर या इन्वायरमेंट से किया हुआ है उनको तीन पेपर हैं इस जो है साल। यूपीएससी छोड़ दिया जाए, यूपीपीसीएस की बात कर रहे हैं तो, है ना, और यूपीएससी में तो दो दो तीन पेपर हैं जिसमें से एक निपट गया, ठीक है। तो तैयारी जम के कर लो, इस साल कोई कसर नहीं होनी चाहिए, ठीक। इसी के साथ ये खत्म। अब बताओ कल से क्या पढ़ोगे, कौन सा, क्या कहते हैं, एग्री, इंडियन एग्रीकल्चर पढ़ना है,